नमस्ते रावण जी और कुंभकर्ण जी, सीता ने कहा, आप इतने दिनों कहां थे? बहुत समय हो गया। रावण और कुंभकर्ण को आखिरी बार अशोक वाटिका में आए 2 हफ्ते हो चुके थे। हालांकि उन्हें हनुमान और अरिष्ट नेमी की सीता से मुलाकात के बारे में पता था। उन्हें कट्ठे स्वरम बटालियन पर विदेशियों के एक छोटे से दल द्वारा हमले के बारे में भी पता था, जो उस रात अरुवी अरु नदी के रास्ते भाग निकले थे। कुछ हताहत हुए थे, लेकिन झड़प बहुत गंभीर नहीं थी। जाहिर है, हनुमान और अरिष्ट नेमी का सीता के लिए जो भी संदेश था वह पहुंच चुका था और वे वापस चले गए थे। रावण और कुंभकर्ण कट्ठे स्वरम में सैनिकों का एक छोटा दल छोड़कर बाकी को वापस बुलाने पर विचार कर रहे थे, क्योंकि मुख्य हमला पूर्व से होगा। उन्हें पता चला कि अयोध्या की नौसेना दक्षिण भारत चली गई है और वैगई नदी में इंतजार कर रही है। एक बार उत्तर पूर्व का मानसून समाप्त हो जाने के बाद यह निकलकर महावेली गंगा नदी को पार कर लंका के भीतरी इलाकों में चली जाएगी। पहली लड़ाई ओंगुयाहरा के महान नदी किले में लड़ी जाएगी, जो अम्बन गंगा के जलमार्ग को सिगिरिया, लंका की राजधानी की रक्षा करती है। युद्ध जल्द ही शुरू हो जाएगा रानी, रावण ने कहा। उत्तर पूर्वी मानसून के बाद कभी भी युद्ध हमें नष्ट करने से पहले जीवन के सभी चीजों का आनंद लेने के लिए कुछ ही और सप्ताह बाकी हैं। इसलिए मैं सबसे महत्वपूर्ण चीजों में व्यस्त रहा हूं। युद्ध की योजना? सीता ने पूछा। अरे हाँ, वो भी, कुंभकर्ण ने कहा। मैं और दादा इस बारे में रणनीति बना रहे थे कि अयोध्या की नौसेना के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी जाएं, लेकिन दादा उन चीजों में भी व्यस्त रहे जिन्हें वो ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। युद्ध से पहले युद्ध की तैयारियों से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? सीता ने पूछा। कला, रावण ने जवाब दिया। कला? जी हाँ, मैं फिर कभी पेंट नहीं कर पाऊंगा, न मूर्ति बना पाऊंगा, न वाद्य यंत्र बजा पाऊंगा और न गा पाऊंगा। इसलिए मैं जितना हो सके उसका आनंद ले रहा हूं, लेकिन ज्यादातर पेंटिंग और मूर्तियां बना रहा हूं। सीता मुस्कुराई और सिर हिलाया। आप मुझे कभी चौंकाना नहीं चूकते। हाँ, मैं या तो चौंकाता हूं या निराश करता हूं। मैं कभी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। आपने कौन सी पेंटिंग और मूर्तियां बनाई हैं? आप उनका क्या करेंगे? कुछ मेरे भाई के लिए हैं, कुछ मेरे बेटे के लिए, कुछ मेरी पत्नी के लिए और कुछ मेरी उस बेकार माँ के लिए भी हैं। सीता असहमति से माथा टेढ़ा कर लिया। हाँ हाँ, मुझे पता है आपको मेरी माँ के बारे में इस तरह बात करना पसंद नहीं है, रावण ने कहा। लेकिन हर माँ आपकी माँ जैसी नहीं होती। कुछ माताएं बोझ होती हैं जिन्हें बच्चे ढोते हैं। कोई भी माँ बोझ नहीं होती, केवल वही जो एक नहीं बल्कि 2 परफेक्ट माओं को पाया हो ऐसा चौंकाने वाला और गलत बयान दे सकता है। सीता हंसते हुए भौहें चढ़ाकर बोली। बड़े शब्द, मैं हमेशा पढ़ता हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन हाल ही में मैं उनके लेख पढ़ रहा हूँ जो सोचते हैं कि बड़े शब्द गहरे विचारों की जगह ले लेते हैं। उनके घमंडी बकवास को पढ़ने में एक सुखद आनंद है। सीता ने कुंभकर्ण की तरफ देखा। क्या वह हमेशा ऐसे ही रहता है? आमतौर पर इससे भी बदतर, कुंभकर्ण धीमी आवाज में हंसते हुए बोला। खैर, रावण हंसते हुए बोला, मैंने आपके लिए भी कुछ चीजें बनाई हैं। सीता मुस्कुराई। क्या मेरी असली माँ की और पेंटिंग? रावण ने सिर हिलाया। नहीं, आपकी और आपके पति की। सीता हैरान रह गई, ये उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। और आपको बता दूं, मेरी कला मोहक है, रावण ने कहा। इतिहास राम और सीता को उसी तरह याद रखेगा जैसा मैंने उन्हें चित्रित और गढ़ा है। सीता मुस्कुराई। रावण के बड़े बड़े बोल और अहंकार की अब उन्हें आदत हो चुकी थी। रावण ने ताली बजाई और ढेर सारे पैकेज लेकर आते हुए सेवकों का एक जत्था अचानक प्रकट हुआ। रावण नाटकीय अंदाज में उठे और एक को बुलाया। सीता का दिल बेचैनी से धड़कने लगा। उन्होंने रावण का काम देखा था, उनकी प्रतिभा, लेकिन उनका मन विरोध में पीछे हट गया। उसने मन ही मन कहा कि वह पेंटिंग की विनम्रता पूर्वक उचित सराहना करेंगी, न कम न ज्यादा। क्या इतिहास 7वें विष्णु राम को इस तरह याद रखेगा? मुझे नहीं लगता। रावण ने नाटकीय रूप से कपड़े को हटा दिया और एक जादूगर की तरह पेंटिंग का खुलासा किया। सीता का दम निकल गया। ये वो थीं, और फिर भी वह कभी कल्पना नहीं कर सकती थी कि वह ऐसी दिखती हैं। यह दिव्य, यह वह थीं, उनकी मां नहीं। शरीर दुबला था, अधिक मांसपेशियों वाला,
चेहरे और बाहों पर फीके युद्ध के निशान थे। वह अशोक वाटिका में अकेली बैठी थी। सब कुछ उत्तम दिख रहा था। आकाश सुबह के सूरज की खूबसूरती बिखेर रहा था। पेड़ इतने यथार्थवादी तरीके से रंगे हुए थे कि हवा में लहराते हुए उनके बीच बैठी अद्भुत देवी को देखते हुए एक भ्रम पैदा कर देते थे। हिरण और मोर भक्ति में नाच रहे थे, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए तरस रहे थे। केंद्र में बीच में सीता थीं, धोती, एक ब्लाउज और एक अंगवस्त्र पहने हुए जो उनके दाहिने कंधे से गिरा हुआ था। कुंवारी सफेद काले धागे से बंधे गले में एक हार लटका हुआ था जो एक अकेली उंगली की हड्डियों से बना था। उनकी माँ वेदवती के शरीर का अवशेष सोने की कड़ियों से सावधानी से बांधा हुआ। सीता को एक बड़ी चट्टान पर बैठा हुआ दिखाया गया था। अशोक वाटिका में उनके पैर जमीन पर टिके हुए थे, पैरों के पास एक दूसरे के ऊपर थे, उसके हाथ एक साथ मिले हुए थे, उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थीं, जांघों पर टिकी हुई थीं, उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी। वह दूर देख रही थी, चिंतन और विश्राम की तस्वीर। उसके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या वह राम के बारे में सोच रही थी, उसके लिए तरस रही थी, पुनर्मिलन की लालसा कर रही थी, या वह सिर्फ उदासी थी, अकेली, दूर, दिव्य, एक देवी की तरह? सीता उस पेंटिंग से मोहित और निराश दोनों थीं। अगर यह संभव हो तो राम कहाँ है? रावण मुस्कुराया। मुझे खेद है कि मैं तुम्हें उससे दूर ले गया, लेकिन अब ज्यादा देर नहीं होगी, आप जल्द ही उनसे फिर मिलेंगी। सीता हल्के से मुस्कुराई और फिर पेंटिंग की ओर देखने लगी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि कोई पेंटिंग समय पर विजय प्राप्त कर सकती है। इसकी एक प्रति एक गुप्त मंदिर में लटकेगी, एक ऐसे शहर में जिसे अभी बनाया जाना बाकी है, एक ऐसा शहर जिसका नाम उस क्षेत्र के 5 बरगद के पेड़ों के नाम पर रखा जाएगा। भविष्य में सीता स्पष्ट रूप से आदेश देंगी कि उनकी छवि कहीं भी रिकॉर्ड न की जाए, लेकिन कुछ लोग अभी भी इस पेंटिंग की कॉपियां रखेंगे। वे उसकी इस रूप में पूजा करेंगे, वे उसे भूदेवी, पृथ्वी की देवी कहेंगे। धन्यवाद, सीता ने कहा, और फिर उसने बिना जाने क्यों कहा, मैं कोशिश करूंगी और इस पेंटिंग के योग्य बनूंगी। आप पहले से ही हैं राजकुमारी, कुंभकर्ण ने धीरे से कहा। और अब, रावण ने कहा, अगला वाला। सेवकों द्वारा उनके लिए एक और पेंटिंग लाई गई। रावण ने कुछ और ड्रामे के साथ कपड़े को हटा दिया। हमेशा दिखाओ, उसने कर्मचारियों को पेंटिंग को ऊपर रखने के लिए कहा। सीता शर्मा गई और खुशी से मुस्कुरा दी, क्योंकि यह वह थी अपने सबसे गहरे स्नेह के पात्र राम के साथ। राम और सीता साधारणता से सजे हुए थे, कोई राजसी आभूषण या मुकुट नहीं। उन्होंने सादे हुए हाथ से बुने हुए कपास के कपड़े पहने थे जो सबसे गरीबों के लिए होते हैं। उनकी आंखें एक दूसरे पर ठहरी रहती थीं, दुनिया को अनदेखा करते हुए। यह प्यार, विश्वास और सबसे महत्वपूर्ण सम्मान की एक नजर थी, एक आदमी और एक महिला जो एक दूसरे के लिए बने थे। सीता ने राम के दाहिने हाथ को नीचे से सहारा देते हुए पकड़ा था, जैसे कि उसका समर्थन कर रही हो। फिर भी सीता भविष्य को नहीं जान सकती थी, वह कैसे जान सकती थी? लेकिन यह तस्वीर उज्जैन के महान शहर में भगवान विष्णु को समर्पित एक विशाल मंदिर में मुख्य रूप की तरह काम करेगी। कई सदियों बाद तिब्बत से आने वाला एक सीधा सादा उद्धारकर्ता उस महान मंदिर में मूर्ति को निहारता हुआ ऊपर देखेगा। अभी तक नहीं बनी एक झंझाती वासुदेवों के साथ एक मुलाकात में, बुराई को दूर करने के अपने मिशन के प्रयास में। रावण ने कहा, राम, तुम्हारे कारण विष्णु बनेगा और वह एक महान विष्णु होगा। सीता ने ना में सिर हिलाया, वह अपने आप में ही विष्णु बनेगा, सबसे श्रेष्ठ, मेरा काम उसकी सहायता करना है। रावण मुस्कुराया और उसका विरोध नहीं किया। उसने अगली कलाकृति लाने का इशारा किया। यह पेंटिंग नहीं बल्कि एक मूर्ति थी, उत्तम कलाकृति का एक छोटा काम। उसने ढकने वाला कपड़ा हटाया तो एक छाती, आधा शरीर की मूर्ति सामने आई। सीता की आंखों में भावुकता भर आई, होठों पर एक कोमल मुस्कान आई। उसने रावण की ओर देखा, चौड़ा मुस्कुराई और ताली बजाई। आपकी प्रतिभा अद्वितीय है, मुझे पता है, सीता हंसी और अपना ध्यान वापस मूर्ति पर लगा लिया। यह राम था, राम, वह वैसे ही जैसे वह दशकों बाद दिखेगा। रावण की विशेष क्षमता थी अपने मन में किसी व्यक्ति को बूढ़ा करना और उसे कलाकृति में कैद करना। यह राम है, रावण ने कहा, जब वह एक विष्णु के रूप में वह सब हासिल कर लेगा जो उसे करना है।
जब उसने एक नया साम्राज्य स्थापित किया होगा, जब लोग खुश और समृद्ध होंगे, जब व्यवस्था और सौंदर्य होगा, जब हमारी प्यारी माँ भारत एक बार फिर दुनिया का नेतृत्व करेगी। अपनी भूमिका पूरी करने के बाद वह ऐसा दिखेगा, इस तरह उसे याद किया जाएगा। सीता ने मुरमुर किया, हम साम्राज्य को मेलुहा कहेंगे। रावण मुस्कुराया, पवित्र जीवन की भूमि एक अच्छा नाम है, उनमें राजर्षि का रूप है, सीता ने कहा। रावण ने सिर हिलाया, वह मेरे सामने इसी रूप में आया था, एक राजर्षि। राजर्षि एक पुराना संस्कृत शब्द है जो राजा और ऋषि का संयुक्त रूप है, राजा और ऋषि। इसका इस्तेमाल कभी कभी उन राजाओं के लिए किया जाता था जो राजा का पद छोड़कर ऋषि बन जाते थे, लेकिन अधिकतर इसका मतलब उन राजाओं से होता था जो ऋषियों की तरह राज्य करते थे, जो अपनी ऊर्जा, भावनाओं, मन और अपनी आत्मा को सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित कर देते थे, अपने लोगों की भलाई। सीता उस मूर्ति को देखकर मोहित हो गई थी। वह राम के सिर और ऊपरी शरीर की मूर्ति थी जो अपनी सुंदरता और बनावट में बेदाग थी। राम नंगे धड़ वाले थे और एक साधारण नमूनेदार दुपट्टा पहने हुए थे जो उनकी दाहिनी बगल और बाएं कंधे के चारों ओर लपेटा हुआ था। उनकी बाईं बाजू पूरी तरह से ढकी हुई थी, लेकिन दाईं तलवार रखने वाली बाजू और दाहिना कंधा खुला हुआ था। दुपट्टे को त्रिकोणीय कढ़ाई से सुशोभित किया गया था। लाल रंग द्रव्य से भरे हुए एक दूसरे के ऊपर आने वाले छल्ले के आकार का पैटर्न सरल और सुंदर। उन्होंने मामूली सोने के झुमके के अलावा कोई आभूषण नहीं पहना था। रावण ने उन बेहतरीन ढंग से तराशी गई बालियों में छेद कर उन्हें सोने के स्टड से सजाया था। राम ने एक पट्टी या रिबन से बना हुआ हेडबैंड पहना हुआ था जिसे अद्भुत विवरण के साथ बनाया गया था। हेडबैंड के बीच में एक जड़ावट का आभूषण था जो उनके माथे पर ऊंचा लटक रहा था। यह सूर्य था जिससे किरणें निकल रही थीं। सूर्यवंशी यानी सूर्यवंश का प्रतीक, एक राजर्षि के लिए सबसे सरल मुकुट, उसी तरह का लेकिन छोटा सा ताबीज उनके दाहिने ऊपरी बाजू पर रेशमी सोने के धागे से बंधा हुआ था। सीता ने करीब से देखा, उस ताबीज पर वे कौन से चिन्ह हैं? अभी के लिए बेतरतीब चिन्ह हैं, रावण ने कहा, लेकिन तुमने मुझे एक बार बताया था कि राम कर्म के दीवाने हैं। मुझे तुम्हारे ठीक शब्द याद हैं, समाज में लोगों का पद और सम्मान उनके जन्म से नहीं बल्कि उनके कर्म से तय होना चाहिए। मैंने सोचा था कि उन्हें ऐसी व्यवस्था पसंद आएगी जिसमें लोग उस अर्जित पद को दिखा सकें, शायद जन्मजाति के बजाय एक चुनी हुई जाति जो उन्होंने अपने कर्म से कमाई हो और गर्व के साथ अपने बाजूबंद पर पहने। सीता मुस्कुराई, यह तो बिल्कुल राम जैसा होगा, रावण शर्मिंदगी से बोला, जो उसमें कम ही देखने को मिलती थी। बस एक विचार, सीता मूर्ति के चारों ओर घूमी। उसने पीछे देखा, पट्टीनुमा मुकुट के दोनों सिरे सिर के पीछे साफ सुथरे से बंधे थे। उनके बालों को सावधानी से कंघी किया गया था और सिर के ऊपर एक बड़े साफ सुथरे जूड़े में बांधा गया था। मूंछ और दाढ़ी को साफ सुथरे से काटा गया था। मूर्ति के बारे में सब कुछ बेदाग, शांत और विनम्र था, बिल्कुल राम जैसा। लेकिन जिस चीज ने उन्हें मोहित किया वह थी आंखें, गहरी और पैनी, आधी बंद, ध्यान में लीन साधु की तरह, शांत, सौम्य। वाह, सीता ने मोहित होकर फुसफुसाया, लोग राम को ऐसे ही याद रखेंगे, लोग राम को ऐसे ही याद रखेंगे, रावण ने दोहराया। रावण सही था, लोग सदियों हजारों सालों तक इस तस्वीर को याद रखेंगे। वे अपने राजर्षि को याद रखेंगे, वे अपने राजा पुरोहित को याद रखेंगे, वे अपने विष्णु राम को याद रखेंगे। जब तक भारत की धरती सांस लेती रहेगी वह राम के नाम का गुणगान करती रहेगी। क्या सारी तैयारियां पूरी हो गईं? राम ने पूछा। भरत ने सिर हिलाया, हाँ दादा, इस साल पहले महीने में उत्तर पूर्व का मानसून बहुत तेज था लेकिन उसके बाद लगभग पूरी तरह से अचानक से कम हो गया। राम और उसके भाइयों ने लंका पर हमले की अपनी योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया था, वे तैयार थे। शत्रुघ्न और उसके सौंपे गए सैनिकों ने सिर्फ एक महीने में पुल बनाने के लिए जरूरी सामान इकट्ठा करने में दुगना काम किया था। मलयपुत्र अपने 15,000 सैनिकों और हाथी दल के साथ आ चुके थे। वायुपुत्र भी 15,000 और योद्धाओं के साथ आ गए थे। अंगद भी अपने वानर सैनिकों और हाथियों के साथ आ चुका था। इस विशाल सेना को अगले 2 महीनों के लिए राशन मुहैया कराना बेकार खर्चा साबित होता जब युद्ध शुरू करने का मौका पहले ही मिल चुका था। साथ ही
जैसा कि सभी अच्छे सेनापति जानते हैं, एक उबा हुआ सैनिक खतरनाक होता है। युद्ध से रोके गए, टेस्टोस्टेरॉन से भरे हुए आदमी एक दूसरे से लड़ने लग सकते हैं। बिना किसी देरी के हमला करना बिल्कुल सही था। रावण की लंका पर आक्रमण अगले दिन, आश्विन महीने के पहले दिन शुरू होगा। राम ने अपने छोटे भाई के कंधे पर मुक्का मारा। मैं तुम्हें बहुत याद करता था बेवकूफ। राम और भरत युद्ध की तैयारी के इस व्यस्त दौर में एक साथ अकेले थे। वे विशाल वैगई नदी के मुहाने के पास समुद्र तट पर बैठे थे। दूर से उनकी सेनाएं दिखाई दे रही थीं। मैंने तुम्हें खुद को वनवास में जाने के लिए किससे कहा था, भरत ने गुस्से से कहा, साथ ही हंसते हुए भी, क्योंकि उसने राम के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। राम चुपचाप मुस्कुराया, वह दूर देख रहा था, क्षितिज पर जहां रात का आकाश पूर्वी समुद्र के शांत जल को छूता था। भाई कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। भरत जानता था कि राम परेशान है। यह भी जानता था कि लक्ष्मण से कितना भी लगाव हो, राम अपनी तकलीफें जल्दी गुस्से होने वाले भाई को नहीं बता सकता। इसलिए वह राम के बोलने का इंतजार करने लगा। भरत जी दादा, राम ने एक लंबी सांस ली। भरत फिर चुप रहा। मैं तो, भरत ने राम के कंधे को सहारा दिया, वह सीता को नहीं मारेगा दादा, उसे भाभी जिंदा चाहिए, ये तो हम जानते हैं। राम ने अपनी नजरें समुद्र की तरफ घुमा ली, भरत से आंखें मिलाने से बचता हुआ। क्षत्रिय अपने आंसू छुपाते हैं, अपने भाइयों से भी। वह उसे मारेगा नहीं, भरत ने दोहराया, ये तुम जानते हो। हाँ, लेकिन वह उसे चोट पहुंचा सकता है, वह एक राक्षस है। अगर उसने ऐसा करने की हिम्मत की है दादा, तो मैं कसम खाता हूं कि हम उसे भुला देंगे, हम उस राक्षस से भी ज्यादा राक्षस बन जाएंगे। राम दूर ही देखता रहा। अब उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बह रहे थे, और फिर उसके मुंह से वो बात निकल ही गई, वो ख्याल जो उसके दिमाग में था, जो उसके होठों तक नहीं आया था। भरत के अलावा वो किससे बात कर सकता था। मैं नाकामयाब हुआ, राम ने तड़पती हुई आवाज में फुसफुसाया। नहीं नहीं दादा, तुम नहीं नाकामयाब हुए, वह मेरी पत्नी है, मेरा फर्ज है उसे हर बुराई से बचाना, मेरा फर्ज है उसके लिए मर जाना। मैं वहां नहीं था और उसे चुरा लिया गया, मैं अपने फर्ज में नाकामयाब रहा। भरत ने अपने बड़े भाई को बोलने दिया। वह मेरी जिंदगी का प्यार है, वो मेरी औरत है, और मैंने किसी राक्षस को मेरे, भरत ने राम का हाथ पकड़ लिया, कोई शब्द नहीं निकले। मुझे उस हिरण के पीछे नहीं जाना चाहिए था, मैं और तेज दौड़ सकता था, मैं, राम रुक गया क्योंकि आंसुओं ने उसे बिल्कुल जकड़ लिया था। भरत पास आया और अपने भाई को गले लगा लिया। राम ने उसे झोर से पकड़ लिया, उसने आंसुओं को बहने दिया, उसने सीता से बिछड़े महीनों की तड़प को बाहर निकलने दिया। भरत ने चुपचाप अपने भाई को सहारा दिया। जब उसे लगा कि राम थोड़ा शांत हुआ है, तब जाकर वो सीधा हुआ। दादा, भरत ने कहा, ज्यादातर महिलाएं वो सब कर सकती हैं जो मर्द कर सकते हैं, सिवाय पुरुषों से शारीरिक रूप से लड़ने के। आम आदमी आम महिला से ज्यादा बड़ा और ताकतवर होता है। राम ने भरत की तरफ हैरानी से देखा, क्योंकि इसका उस परेशानी से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन, भरत ने जारी रखा, सीता भाभी कोई आम महिला नहीं है, वह लड़ सकती हैं, वह युद्ध में अपना बचाव कर सकती हैं। राम मुस्कुराया। ईमानदारी से कहूं तो, भरत ने कहा, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि रावण सीता भाभी को क्या नुकसान पहुंचा सकता है, मैं ज्यादा इस बारे में सोचूंगा कि वह रावण को क्या नुकसान पहुंचा सकती है। राम पूरा मुस्कुराया। भरत ने राम का हाथ थाम लिया। दादा, तुम नाकामयाब नहीं हुए, भाग्य सीता भाभी और तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, लेकिन अगर तुम ये भी मानते हो कि तुम नाकामयाब हुए हो, तो याद रखो कि ऐसा नहीं है कि महान लोग कभी नहीं गिरते, हर कोई कभी ना कभी गिरता है। महान वो होते हैं जो गिरने के बाद उठते हैं, खुद को साफ करते हैं और फिर से जिंदगी की लड़ाई में कूद पड़ते हैं। राम ने सिर हिलाया। और तुम सिर्फ महान आदमी ही नहीं हो, तुम विष्णु हो। राम ने आंखें घुमाई। विष्णु तो सीता है। भरत ने हाथ जोड़े। यह आप दोनों आपस में तय कर लो, मैं बस इतना जानता हूं कि तुम एक सख्त ताकतवर आदमी हो, और तुम्हारे भाई और तुम्हारे लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं। रावण ने हमसे पंगा लेकर भंवर का घोंसला छेड़ दिया है, हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे जो दुनिया को हमेशा याद रहेगा।